अंतर भारतीय आश्रम में हैं हम, और अंतर भारतीय आश्रम के संस्थापक, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और विश्व शांति प्रतिष्ठान के संस्थापक, इस अंतर भारतीय आश्रम के भी संस्थापक, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी होम्योपैथी चिकित्सा के लिए साधना के रूप में दे दी, वे डॉक्टर भाऊ साहेब झीटे प्रयाण कर गए हैं। और ये जो डॉक्टर भाऊ साहेब झीटे के सानिध्य में जिन्होंने अपने जीवन को व्यवस्थित होते पाया है, वे सब इस समय उन्हें अभिवादन करने यहाँ पहुँचे हैं। अभी थोड़ी देर में उनका अंत संस्कार होगा, और यहाँ जो अंतर भारतीय आश्रम के परिवार से जुड़ा हुआ ये जो परिवार है, उसी परिवार की एक छोटी छोटी शोक संवेदनाएं आपके पास पहुंचाते हैं। हमारे साथ अशोक सरस्वती जी हैं। सरस्वती जी एक महर्षि जिन्होंने इस जगह को स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए, मानवता के लिए सहेजा, आज नहीं है। कैसे याद करेंगे आप डॉक्टर भाऊ साहेब झीटे को? भाऊ साहेब झीटे आधुनिक संत थे। देका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू वळखावा देव तेथेची जाणावा। भाऊ साहेब ने जो दुखी लोग थे उनको सहारा दिया। आज अंतर भारतीय आश्रम ये एक हॉस्पिटल नहीं है, ये दुखियों का एक आधार है। भाऊ के दर्शन भी किए तो आधी बीमारी उनकी चली जाती थी, इतना विश्वास लोगों में था। भाऊ साहेब की विचारधारा ये शांतता प्रिय विश्व बंधुत्व की विचारधारा थी। वो बुद्ध को मानते थे, वो अंबेडकर को मानते थे, गांधी जी को मानते थे। जो जो लोग समाज के लिए अपना जीवन उन्होंने न्यौछावर किया, वो आज नहीं है, लेकिन उनका कार्य कर्तृत्व, इनका विचार ये समाज के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेगा। मैं पूरे आंबेडकरी जनता की तरफ से, बुद्ध विहार समन्वय समिति की तरफ से, और मेरे परिवार के तरफ से, संत गाड़गे बाबा बौद्धिश्य आश्रम के तरफ से भाऊ साहेब झीटे को विनम्र अभिवादन करता हूँ और आदरांजलि व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर भाऊ साहेब झीटे यह एक ऐसा ऋषि था कि जिसने गरीबों के अंदर में, रुग्णों के अंदर में एक देवता का वास, देवता यानी उन्होंने रुग्ण को देवता समझा, और रुग्ण को उन्होंने कहा कि तू रुग्ण नहीं है, तू एक मित्र है। और मित्र के माध्यम से उन्होंने बुद्ध की जो करुणा थी, जो करुणा का एक मूर्तिमंत उदाहरण अगर कोई होता तो डॉक्टर भाऊ साहेब झीटे थे। और उन्होंने जो करुणा अपने ज़िंदगी में पाली और समाज के अंदर में ऐसे ऐसे रुग्णों को उन्होंने मदद की, पैसे के लिए उन्होंने कोई हॉस्पिटल या अपने कॉलेज महाविद्यालय नहीं निर्माण किए, तो गरीबों की सेवा और गरीबों के अंदर में जो तुकाराम महाराज कहते थे, जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा, या तुकारामाच्या शब्दात फिट्ट बसणारा माणूस म्हणजे डॉक्टर भाऊसाहेब झीटे। आणि तुकडोजी महाराजांच्या सानिध्यात त्यांचं फार मोठा काळ गेला, आणि ते म्हणायचे, मानवता ही पंथ मेरा, इन्सानियत है पक्ष मेरा, सबकी भलाई धर्म मेरा, दुविधा को हटाना वर्म मेरा, एक जात बनाना कर्म मेरा, सब साथ चलाना मर्म मेरा, नीच ऊच हटाना गर्व मेरा, और गिरते को उठाना स्वर्ग मेरा। या भाऊसाहेबांच्या विचारामध्ये, तुकडोजी महाराजांच्या या विचारामध्ये डॉक्टर भाऊसाहेब झीटे हे पूर्ण फिट बसत होते। आणि असा हा माणूस, एक ऋषितुल्य माणूस, आपलं जीवन त्यांनी खरंच एका मोठ्या ह्याच्याने, आणि स्वतःच्या शरीरावर, स्वतःच्या आरोग्यावर स्वतःच त्यांनी ट्रीटमेंट करून स्वतःला 93 वर्षापर्यंत जगवलं, असा हा एक चालता बोलता मसीहा, रुग्णांना खऱ्या अर्थानं प्रेरणा देणारा, वो आज हमारे बीच में नहीं है, हमें बहुत दुख होता है। शांति ओम। आपका बरसों से अंतर भारतीय आश्रम से बड़ा नज़दीकी संबंध रहा है। हम ये समझेंगे कि डॉक्टर भाऊ साहेब झीटे का जाना एक अपूर्णीय क्षति है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये तो प्रकृति है और हर एक को जो जो आया है उसे जाना है, इस अपूर्णीय क्षति को पूरा कैसे किया जाए? राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज ने कहा है, आए अकेले जगत में फिर भी अकेले जाओगे, ना संग कोई आएगा तन भी नहीं ले जाओगे। और उसके आगे महाराज ऐसे कहते हैं कि मरना हक का बाना है, जीना उधार लाना है, कोई आज मरे कोई काल मरे, सबको एक दिन जाना है,
मरने की फिक्र क्यों करता बंदे, मरना तो हमेशा आएगा, ऐसी फिक्र कर मन में, मरना ही तुझे झुक जाएगा। मृत्यु को भी झुकाने वाला ये महात्मा, मुझे लगता है कि आगे ये आश्रम की जो कुछ नागडोर है तो वो एक करके उनके जो भूमि में उनको हम लोग ये कर रहे हैं, माटी दे रहे हैं, तो उस माटी के सुगंध से ये आश्रम का जो सेवा का भाव है वो हरदम रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। भाऊ साहब जीटे को सर आप कैसे याद करेंगे? एक निस्वार्थ सेवा करने वाले डॉक्टर जिन्होंने जीवन भर अविवाहित रह के रिगलों की सेवा की है। आप अगर इस आश्रम के एंट्री में एक बोर्ड देखेंगे उसमें लिखा है जिसका नहीं है कोई उसके हम है भाई। 1962 से इस दाभा परिसर में उन्होंने निस्वार्थ भाव से रुग्णों की सेवा की है। यहाँ पे मैं खुद 3 महीने अपने उपचार के लिए आया था और उन्होंने बहुत ही निष्पृष भाव से मेरी सेवा की है। और विनोबा जी का जय जगत का नारा उन्होंने अपने जीवन भर उसको फॉलो किया है। महात्मा गांधी का जो नेचुरोपैथी का जो उपचार केंद्र है वो भी यहाँ पे उन्होंने शुरू किया है। मैं खुद उनसे लाभान्वित हुआ हूँ। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा ऋषितुल्य व्यक्ति आज यहाँ से हमारे बीच नहीं रहे, इस बात का हमें बहुत दुख है। मैं मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर भाऊ साहेब झीटे को सर आप कैसे याद करेंगे? मैं भाऊ साहेब झीटे को बचपन से जानता हूँ। मैं उदय बोधन का बाल लोक धन्य हूँ, तो मैं उनका पेशेंट भी था बचपन से। यहाँ जो आश्रम था नेचुरोपैथी उसमें मेरे फादर इन लॉ जो थे वसंत साठे साहब वो आते थे, उनके साथ एम्बरवर साहब थे, दामोदर धोटे साहब, तो मैं तब से यहाँ आता हूँ। मेडिकल में था तभी मैं आता था। बाद में मेरे को वो मैं जब बाल लोक धन्य बना था भाऊ साहब ने मेरे को हर एक टाइम लेक्चर के लिए बुलाया था और हर टाइम कोई भी फंक्शन है तो उनका मेरे साथ बहुत ये था। आयुष कम यर नॉट गेस अरे डेलीगेट बोल, लेकिन मेरे को चीफ गेस्ट बोलते थे। तो ऐसे भाऊ साहब थे जिनके बारे में कहना मुश्किल है शब्द में। वो एक संत आदमी थे और होम्योपैथी में आई कैन से इज द फादर ऑफ इंडिया, यू कैन से फादर ऑफ द वर्ल्ड यू कैन से। होम्योपैथ में और नेचुरोपैथी में उनका जो ध्यान था, डेडिकेशन था, डिवोशन, वो कंपेरेबल नॉट टू एनीबडी, ऐसा बोलूँगा। और इतने सालों के संपर्क में आपने साहेब झीटे से आप कितने प्रभावित रहे? बहुत प्रभावित है एक्चुअली। आज मैं औरंगाबाद में था, वहाँ से कॉन्फ्रेंस करके 12 बजे निकल गया तो 5 बजे तक पहुँच सका। इतना है कि मैं बोला भाऊ साहब के एटली दर्शन तो भी होना चाहिए। दर्शन लिया, धन्य हो गया। उसके ऐसा आदमी मिलना कठिन है। आई थिंक वी आर लॉस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बींग, ए ग्रेटेस्ट डॉक्टर, एक ग्रेटेस्ट होम्योपैथ, ग्रेटेस्ट नेचुरोपैथ ऑफ इंडिया, ऑफ एशिया, ऑफ द वर्ल्ड, इतना बोलूँगा। आज यदि डॉक्टर भाऊ साहब झीटे को याद किया जाए तो किस रूप में याद किया जाए? भाऊ साहब का व्यक्तिमत्व एक ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व था। होम्योपैथी के तो वो खुद तज्ञ ही थे, साथ ही साथ उन्होंने एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी इनका भी अध्ययन करके उनके माध्यम से गरीब रुग्ण, गरीब दीन दलित गोर गरीब जनता को उन्होंने अपनी रुग्ण सेवा प्रदान की थी। हर 15 फरवरी का उनका रुग्ण सेवा दिन यहाँ जो मनाते थे वो, उस कार्यक्रम में हम बहुत बार शरीक हुए हैं। मैं डॉक्टर शांतिदास लुंगे, अध्यक्ष नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा नागपुर की ओर से भाऊ साहब को मेरे पूरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आपको क्या लगता है कि जैसे भाऊ साहब झीटे ने इंटीग्रेटेड पैथी का इस्तेमाल किया और पेशेंट को स्वस्थ करना ये उनका उद्देश्य रहा, बिल्कुल क्या लगता है कि जो टेक्निकल बैरियर्स हैं क्या डॉक्टर ने इस तरह से काम करना चाहिए? जरूर जरूर, आज समन्वयात्मक चिकित्सा का उद्देश्य बहुत जरूरी है। आज आयुष जो है आयुष मंत्रालय उसमें होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा और एलोपैथी पूरा कॉम, एलोपैथी छोड़ के आयुष है, लेकिन आज ये जो हो रहा वो एक्चुअली उसकी देन भाऊ साहब झीटे से चालू हुआ। उन्होंने बोला था, मैं जब यहाँ आता था मेरे ट्रीटमेंट के लिए मैं आता था, साइनस के लिए, मर्ड थेरेपी ये सब के लिए, और मैं देखता था यहाँ बड़े 90% के ऊपर लोग जो थे बहुत ग्रसित थे, उनका बहुत अच्छी से ये देखभाल करते थे, उनको रेमेडी मिलता था, वो बहुत नावीण्यपूर्ण। मैं भाऊ साहब जो ऋषि तुल्य उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। धन्यवाद सर। अंतर भारतीय आश्रम से आपका एक बड़ा लंबा संबंध रहा है, डॉक्टर भाऊ साहेब झीटे से आपका संबंध रहा है, आप कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, कैसा सोचते हैं कि अंतर भारतीय आश्रम में अब डॉक्टर भाऊ साहेब नहीं हैं, आप कैसे याद करेंगे?
उन्होंने हमें जो कार्य करने की, रुग्ण सेवा की और होम्योपैथी का विद्यादान करने की जो प्रेरणा दी है अपने जीवन से, उसी कार्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे जी। अगर भाव साहब को एक रुग्ण सेवा में समर्पित व्यक्ति के रूप में याद किया जाए तो उनकी कोई याद बता पाएंगे आप? उनके जीवन में सुबह उठने से ब्रह्म मुहूर्त पर तो सोते समय तक 11 बजे तक रुग्ण के सिवाय और विद्यार्थी के सिवाय कुछ भी नहीं रहता था। हर शुक्रवार को अपनी ज़िंदगी में वो मौन साधना करते थे 10 बजे से शुरुआत, मगर उसका एक अपवाद उन्होंने रखा था, एक विद्यार्थी की समस्या और दूसरी रुग्ण की समस्या, उस समय वो बात करते थे तो ताकि उन्होंने विद्यार्थी को और रुग्ण को अपने जीवन में अहम स्थान दिया था जी। आप यदि डॉक्टर भाव साहिब झेटे को याद करेंगे तो किस रूप में याद करेंगे? वो एक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने सिखाया नहीं, करके दिखाया। एक्शन मैन थे वो, और हम बच्चे थे तो हम बहुत लड़ते थे या बहुत रिवोल्ट करते थे कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, लेकिन सुबह जो आश्रम में झाड़ू लगाना, में हम हॉस्टल में रहते थे, से लेकर एक एक जो उनकी लाइफस्टाइल है, जो आज लोग पैसा देकर अब कर रहे हैं बीमारियों से ठीक करने, वो उन्होंने हम में डालने की कोशिश की ताकि हम सही पेशेंट्स को काउंसिल कर सके। तो काफ़ी सारा जो ये योगदान है ना, उसका महत्व आज समझ में आता है कि ये बाव ने बोला था, ये बाव ने बोला था। ही वॉज एन एडेंट प्रैक्टिशनर जिन्होंने आखिरी हफ्ते तक के भी एक पेशेंट को मेडिसिन देकर भी क्योर किया, मतलब ट्रीट किया। सो इरिप्लेसिबल लॉस है, उनके जैसा पर्सन न था न है न होगा, एटलीस्ट अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं है उनके आसपास, और हमारे दिल में तो वो हमेशा है, और उनके कार्यों में भी वो आगे में भी हमेशा रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। डॉक्टर भाव झेटे से आपने क्या सीखा? वो होम्योपैथी के जनक है, होम्योपैथी उनकी वजह से ही मतलब इतनी आगे बढ़ पाई है, उनकी वजह से ही, और हमारे सबके दिलों में वो अभी अमर है होम्योपैथी के रूप में। और उन्होंने कभी भी मतलब बाकी पैथी एलोपैथी को कभी सराहना नहीं किया, होम्योपैथी को ही उन्होंने आगे बढ़ावा दिया है। और मैं अभी उनके इसके बाद भी आशा करती हूँ कि होम्योपैथी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, यहाँ पर बड़े से बड़े कॉलेज, बड़ा जैसे अभी सिर्फ ग्रेजुएशन है तो MD होम्योपैथी भी आए, और ऊँचा नाम हो, वो हमेशा हमारे दिल में अमर रहेंगे और सबके लिए अमर रहेंगे। जय जगत। आप किस रूप में डॉक्टर भाव साहब झेटे को याद करेंगे? वो हमारे गुरु थे, हमारे पिताजी से भी हमारे ज़्यादा थे वो। उन्होंने जो हमको सिखाया, जो हमको बनाया, जो आज हम हैं, सब उनकी वजह से है। ताई भाऊ को कैसे याद करेंगे? भाऊ का जो अधूरा काम है वो पूरा करने की सब मिलकर कोशिश करके भाऊ को याद करेंगे। डॉक्टर भाऊ साहिब झीटे अंतर भारतीय आश्रम के एक ऐसे संस्थापक जिन्होंने मानवता के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। आपका इतना पुराना संबंध रहा है अंतर भारतीय आश्रम से, शायद अंतर भारतीय आश्रम के निर्माण से ही आप जुड़े हैं। हम समझना चाहेंगे कि अब आप डॉक्टर भाऊ साहिब झीटे को कैसे याद करेंगे? 1971 में मैं जमुनराव ने जब पहला प्राणांतिक उपोषण किया था तो उनको मिलने को यहाँ आया था, उस वक्त मैंने ये आश्रम देखा। ये आश्रम के निर्माण में उनके साथ जम्बूंतराव जी थे, पहले 65 या 66 में आश्रम हुआ, लेकिन बहुन से जैसे हमारे संबंध आए डॉक्टर थे, तो डॉक्टर बहू के संस्कार में हम कार्यकर्ता करके बड़े हुए। डॉक्टर बहू के संस्कार ये जनसेवा के थे, और वो जय जगत बोलते थे, सामुदायिक प्रार्थना, सामुदायिक ध्यान सब यहाँ होता था। मैं जब यहाँ पहली दफे उनको तबीयत बताने आया तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ ही रहो, एक महीना मैं यहाँ रहता, तो मुझे बहुत अच्छा मेडिसिन वगैरह उन्होंने दिया, और उनके संस्कार थी मैं छोटे से आज किया है। आप डॉक्टर भाव साहब झीटे को कैसे याद करते हैं? डॉक्टर भाव साहब झीटे को मैं एक संत के रूप में देखता हूँ।
साक्षात वो संत है, डॉक्टर तो है ही। मैं यहाँ एक महीना रहा मिसेस के साथ, वो एक महीने में मुझ पर जो डॉक्टर भाऊ साहब के संस्कार हुए वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, और आज भी मैं जो कुछ भी हो वो उसी संस्कार के है, उसी संस्कार हमारे उसमें है, और हमारे फैमिली पर भी डॉक्टर भाऊ के संस्कार है। डॉक्टर भाऊ साहब झीटे को आप किस रूप में याद करते हैं? मैं कहूं कि इस विश्व के अंदर किसी शब्द डायरी में या शब्दावली में कोई शब्द हो, उन शब्दों की प्रत्येक गुंत माला को गुंत जाऊं, और उस गुंतने के बाद भी मैं उनके लिए कुछ शब्द कहना चाहूं तो मेरे लिए वो अधूरे शब्द होंगे, क्योंकि उनका एक वृद्ध वाक्य है जिसका कोई नहीं है भाई, उसके हम है भाई। इस दवाखाने में, इस हॉस्पिटल में वो जो समाज सेवा का हॉस्पिटल चलाते थे, वो जो पेशेंट हो, जो उस पेशेंट के बारे में कोई उनकी अगर उनका परिवार अगर उनकी चिंता नहीं करता है, उनके रिश्तेदार चिंता नहीं करते, उनके दोस्त भाई चिंता नहीं करते, वो भाऊ चिंता करते थे, और उस व्यक्ति का इलाज भाऊ अपने तरफ, तुम पैसा दोगे तो भी होगा नहीं, ऐसा नहीं है, तुमने पैसा नहीं दिया तो भी भाऊ इलाज करेंगे, और उस इंसान को जो वैद्य की सुविधा का जो काम है वो भाऊ के माध्यम से हमेशा निरंतर होता रहा करके हमारे नागपुर शहर में हम कह सकते हैं, या हमारे नागपुर जिले में कह सकते हैं, हमारे विदर्भ में कह सकते हैं, और एमपी से लेकर लोग यहाँ आते थे, और कई लोग अपनी तबियत अच्छी करके, अपना इलाज अच्छा करके वो अपने घर एक दुरुस्त होकर आते थे, और बच्चों को माँ बाप का प्यार देने का काम भाऊ के इस जीवन दान की वजह से उनको जीवन दान मिलता था, और वो अपने बच्चों को अपना प्यार दे सकते थे। डॉक्टर भाऊ साहेब जीठे मंजे विदर्भवीर भाऊ जांबोंतराव धोटे यांचे खंदे समर्थक यांचे सोबती। डॉक्टर जिठेंचं जाणं म्हणजे समाजाची एक मोठी हानी आहे। या दाभ्या गावाला ओळख आणि ख्याती अंतरभारतीय आश्रममुळे आणि डॉक्टर जिठेंमुळे मिळाली। मरावे परंतु कीर्ती रूपे उरावे ही म्हण त्यांनी सिद्ध केलेली आहे। निस्वार्थ, निष्कलंक, निर्मोही, निर्व्यसनी असं त्यांचं व्यक्तिमत्व होतं। नवीन पिढींनी त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा बोध घ्यावा आणि समाज सुंदर कसा करता येईल, समाज निरोगी कसा करता येईल, समाज निष्कलंक कसा करता येईल हे त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचं जर का आपण अनुरूप केलं तर निश्चितच समाजमध्ये सुधारणा होईल। मी माझ्या अनेक मानवंदना त्यांना आज अर्पित करते। सर, डॉक्टर भाऊसाहेब झीटे को आप कैसे याद करोगे? मैं उनका पहले पेशेंट हूँ जी। बहुत तकलीफ में था जिस वक्त मैं, मेरे पिताजी ने यहाँ पे आखिरी का इलाज करके ला के छोड़ दिए थे, तब भाऊ ने मुझे जीवन दान दिया दूसरा, और मुझे दूसरे फैकल्टी में एडमिशन मिलने के बाद भी मैंने वो एडमिशन छोड़ दिया, और जिस पैथी ने मुझे जिंदा रखा, नया जन्म दिया, इसलिए मैं इसी पैथी से पहले बैच का यहाँ से स्टूडेंट हूँ और डॉक्टर बना यहाँ, और आज मैं सक्सेसफुल होम्योपैथ भी हूँ। इट इज़ बिकॉज ऑफ ओनली भाऊ साहब झीटे। डॉक्टर झीटे से आपने क्या सीखा? उनका आदर्श जो भी है, जितने आदर्श क्या कहना है, गांधीवादी थे, गांधीवादी बोलने के बाद में जो भी उनके आदर्श थे वो सब थे उनमें, तो उसमें से हम पूरे तो नहीं कर पाए पूरी ज़िंदगी में, मगर हाँ, सच बोलना, ईमानदारी से प्रैक्टिस करना, पेशेंट को झूठा आश्वासन न देना, जो भी है वो सत्य बताने का उनसे, और उन पैसे के पीछे हम कभी दौड़े नहीं। मुख्य बात तो भाऊ साहब ने ये सिखाया कि पैसे के पीछे मत दौड़ो, तो वो हमने कभी किए नहीं ज़िंदगी में। मेरे लिए वो पिता के श्रमानी थे, मेरे पिता भी उनको भाऊ बोलते थे, मैं भी उनको भाऊ बोलता था, तो आज मुझे जो गहरी संवेदना हुई है, ऐसा लग रहा कि मेरे पिताजी ही गए हैं, ऐसे पिता जिन्होंने एक नहीं तो अनेक तीन पीढ़ियों को डॉक्टर्स बनाया। आज भी मेरे बच्चे भी अगर डॉक्टर बने तो यहाँ पे उपलब्धता है। अंतरभारतीय आश्रम, अंतरभारतीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, ये रुग्णालय जो चला जाता वो अनेक पेशेंट्स जिनके पास पैसे नहीं भी रहते थे उन लोगों की भी सेवा किया जाता था। तो सेवा, धर्म, दान और करुणा क्या होती है, एक संत वंदनीय जो थे हमारे भाऊ, उनसे सीखने लायक था। आपके अपने प्रैक्टिस में आप भाऊ साहब को कहाँ कहाँ देखते हैं? मेरे तो गुरु ही थे,
आज मैंने जो जो उनसे सीखा है मैं मेरे प्रैक्टिस में करता हूँ, मैं मेरी तरफ से प्रयास करता हूँ कि दूसरे बच्चे जो है वो होम्योपैथी को लेके अपने प्रैक्टिस करें और अपने जीवन को उच्चतम उच्च जीने का मार्ग बनाए, और होम्योपैथी से ये हो सकता है। मुझे गर्व है कि मैं यहाँ पढ़ा, मुझे अभिमान है कि मैं यहाँ पढ़ा, मुझे स्वाभिमान भी है कि मैं भावु का शिष्य रहा, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो भी बच्चा जाए वो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करे। होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर भाऊ साहेब झीटे को आप कैसे याद करेंगे, क्योंकि उन्होंने उनका पूरा जीवन होम्योपैथी की प्रैक्टिसिंग के लिए दिया है, और आप जो आपका जो पूरा कुनबा है इस वक्त में एक होम्योपैथ के रूप में होम्योपैथी की एक वर्ल्ड वाइड प्रस्थापना के लिए, उसकी मान्यता के लिए और उसके उस इन्फ्लुएंस के लिए आप जूझ रहे हैं जो डॉक्टर भाऊ साहेब झीटे ने अपने जीवन भर किया, आप कैसा समझते हैं? उनको याद अगर किया जाए तो ये जो कॉलेज है ये पहले प्राइमरी स्कूल से चालू होकर आज 10 एकड़ के पट्टे में आया है। भाऊ की बहुत दिली इच्छा थी कि यहाँ पर जब शुरुआत हुई थी, जब मेरे पिताजी पढ़ते थे तो डिप्लोमा हुआ करता था, डिप्लोमा से आज डिग्री हुई है, लेकिन भाऊ की जो अंतिम इच्छा बोल सकते एक थी कि यहाँ पर पदव्युत्तर पीजी डिपार्टमेंट पीजी कॉलेज यहाँ खड़ा हो, और उसके लिए जो यहाँ के जो एल्युमिनाय स्टूडेंट है, यहाँ के अंतर्वर्ती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के जो एल्युमिनाय माजी स्टूडेंट है वो उसके लिए उतने ही जिम्मेदार है कि वो चालू करे। मैं सबसे आपके माध्यम से विनती करूँ, यही हमारी खरी श्रद्धांजलि होगी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि यहाँ पर इस अंतर्वर्ती आश्रम में एक पदव्युत्तर उच्च शिक्षा का सेंटर हो, रिसर्च होम्योपैथिक सेंटर यहाँ पे तैयार हो, जिससे भाऊ का जो हमें उनको भाऊ कह देते, भाऊ का जो सपना है वो निरंतर कार्य चलता रहे। अंतर भारतीय आश्रम में जब हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पर एक स्लोगन लिखा दिखता है कि जिसका कोई नहीं उसके हम है भाई। आप लोग एक विद्यार्थी के रूप में इस स्लोगन को और डॉक्टर भाऊ साहेब झीटे को कैसे याद करते हैं? त्यांचा हाच हेतू होता की सगळ्यांचं भलं झालं पाहिजे, आणि याच्या आधी त्यांनी सगळं निशुल्क सुद्धा केलं होतं, तर आमच्या रूपाने आम्ही म्हणजे तेच पुढे नेण्याचा प्रयत्न करू जेवढा होईल तेवढा, त्यांच्यापासून जेवढे शिकलं ते खूप आहे, आणि आमच्या सोबतच इथेच राहायचे, त्यांचा हसमुख चेहरा अजूनही आठवतो। आणि जितका काळ तुम्ही डॉक्टर भाऊसाहेब झीटेंसोबत घालवला इथे, त्यांच्या सान्निध्यात तुम्ही काय शिकलात? निष्पाप भावनेने आपलं कार्य करणे एवढंच सांगेल। भाऊसाहेब झीटे को मेरा जो कार्यक्रम नागपुर में हुआ था खैरे कुनबी बोधिश विचार मंच का वधुवर परिचय मेलावा था, उस समय में मैंने उनको मेहमान करके चीफ गेस्ट करके बुलाया था, और उनका मैंने बड़े पैमाना में से उनका सत्कार भी किया था, और मेरे समाज के थे और बहुत बड़ी हस्ती थी, ये हम सब जानते हैं कि उनका जो कार्य है समाज में बहुत बड़ा रहा है, और मैं खैरे कुनबी समाज के तरफ से और राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ तरफ से भाऊ साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। भाऊ साहेब झीटे की संस्था में मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो भाऊ साहेब झीटे का जो हमको प्रचिति आई है वो एक संत के जैसे थे, उनका हमारे लिए बहुत श्रद्धा स्थान है, प्रेरणा स्थान है, और उनके जीवन के कार्यकाल में हमने अभी तक के जो भी देखा है वो एक सत्कर्म और पेशेंट की जो भी सेवा करनी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने हमको उसके बारे में समझा है। हम तो यही के स्टूडेंट है और यही पे स्टाफ में है, और उनके वजह से आज हम आए सब लोग। क्या सीखा? क्या उनसे आपने क्या सीखा? उनसे हमने इतना कुछ सीखा है कि हमारे पास वर्ड ही नहीं है उनके लिए कि क्या अपन बोल सकेंगे, बहुत कुछ सिखाया हमने, हमको तो होम्योपैथी तो पढ़ाया ही है और बाकी भी कैसा रहना क्या है ये सब, यानी उनके वजह से है आज हम आए उनके वजह से। डॉक्टर भाऊ साहेब झीटे के जीवन का कौन सा प्रसंग जो आप याद कर पाए? उस दिन हम गए थे जब भाऊ को मिलने गए थे अभी 10 दिन पहले, तो वो आराम कर रहे थे, लेकिन हम जब गए तो उनसे थोड़ी सी बात की तो बोले अभी मुझे अच्छा लग रहा है वगैरह उन्होंने बात की, लेकिन उसके बाद फिर उनको अभी बोलने की बहुत इच्छा थी तो उनको बोला गया कि आप भजन बोलेंगे, तो उन्होंने भजन भी बोला, लेकिन इतने एक्साइट हो गए थे वो उनको बोलने के लिए, यानी उनकी जो इच्छा थी बोलने की वो बोलना चाहते थे, और इतने इसमें आके वो उन्होंने भजन गाया कि हमको फिर सामने जाके उनको शांत करना पड़ा।
कि आपने जो भजन गाया है इतना सुंदर गाया है, और उन्होंने सही में वो भजन बहुत सुंदर गाया था। उनकी जी इच्छा है, क्या प्रेरणा मिलती है हमको, तो हर पल उनकी प्रेरणा ही है। जब भी हम यानी कुछ भी बात हो जाए, हर पल के पीछे उन्हीं की प्रेरणा है। जो भी अच्छा होता है, जो भी बुरा होता है, तो उसमें आपको कैसा धैर्य रखना चाहिए और कैसे सफलता की तरफ जाना चाहिए, ये उन्होंने हमको सिखाया है। डॉक्टर प्रशांत भरभट है जो कि अंतर भारती होम्योपैथिक हॉस्पिटल और कॉलेज जो है, तो कॉलेज के आप प्रिंसिपल हैं और इस आश्रम में जो हॉस्पिटलाइजेशन की व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था को सुपरिटेंडेंट वे ही करते हैं। डॉक्टर साहब, आज डॉक्टर भाव साहेब झीटे नहीं है, आप किस रूप में याद करेंगे डॉक्टर भाव साहेब झीटे को? उनका जो संदेश है वो रुग्ण सेवा का संदेश है, और निस्वार्थ भाव से आज तक उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ उन्होंने रुग्ण सेवा की है। अभी निधन होने के पहले 15 दिन उन्होंने अपने पूरे ताकत से एक रुग्ण की सेवा करने के लिए, शरीर की कमजोरी रहने के बाद भी उन्होंने वो सेवा दी है। तो यह एक सबसे बड़ा संदेश है भाव का, भाव साहब का, कि निस्वार्थ भाव से पूरे समर्पण के साथ रुग्ण की सेवा करना चाहिए। जी, आप डॉक्टर भाव साहेब झीटे से इतने बरसों से जुड़े हैं, शायद आपके छात्र जीवन से, अगर हम ये समझना चाहें कि आपने डॉक्टर भाव साहेब झीटे के जीवन से क्या सीखा, तो हमारे दर्शकों के लिए क्या बताएंगे आप? कोई भी परिस्थिति में हार नहीं मानने का, और पूरे दृढ़ता के साथ, आत्मविश्वास के साथ जो भी कार्य है, जो भी काम आए हैं, उसे पूरे आत्मविश्वास से और एक निर्धारित नियम से उन्होंने वो पूरा किया है। हालांकि उसी के लिए उनको कितनी भी मुश्किल झेलना पड़े, लेकिन उन्होंने उस बारे में कभी भी अपने विचारों से, अपने तत्वों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। समस्त दीन दलित दुबळे शोषित पीडित सर्व लोकांचा आधार गेलेला आहे। भाऊंनी अनेकांना जीवन दिलेले आहे, भाऊंनी जीवन बनवलेले आहे, अनेक डॉक्टर प्राचार्य आणि रुग्णांना सुद्धा जीवनदान दिलेले आहे। भाऊंनी ज्यांनी म्हटलं होतं की या रोगी बनकर आओ और योगी बनकर जाओ, तो जीवनभर भाऊंनी योगी बनवण्याचा प्रयत्न केला आणि आज भाऊ आम्हाला सोडून गेले। आम्ही सर्वचे सर्व अत्यंत दुःखसागरात बुडालेलो आहे। भाऊंना माझ्या संपूर्ण कुटुंबातर्फे भावपूर्ण श्रद्धांजली। अंतर भारती आश्रम में जिन्होंने शिक्षा हासिल की और इस शिक्षा को अपने जीवन का आधार बनाकर आज एक सक्सेस होम्योपैथ के रूप में वे प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर लांजेकर जी हैं हमारे साथ। लांजेकर सर, आज अगर डॉक्टर भाऊसाहेब झीटे को याद करना चाहें तो किस रूप में करेंगे आप? वो तो सभी तरफ ही है, अभी भी वो है। आप किस रूप में याद करेंगे उनको? अभी तो उन्होंने तो शिक्षा दी है कि रुग्ण के स्वरूप ही मुझे देखो, उनकी सेवा ही रुग्ण की सेवा ही उनकी सेवा है, या उनके रूप में ही देखना चाहेंगे हम। आपने डॉक्टर भाऊसाहेब झीटे से क्या सीखा है, उनके जीवन से, उनके संघर्ष से, उनकी दिनचर्या से, उनकी शिक्षा पद्धति से? उनकी शिक्षा पद्धति एक ही है, रुग्ण ही भगवान है, रुग्ण ही अपना देव है, उनकी सेवा यानी हमारी सेवा है, यही उन्होंने हमें सीखा है। अंतर भारतीय आश्रम अपने आप में इस बात के लिए पहचाना जाता है कि यहाँ कोई एंट्री करता है तो उस एंट्री पर एक बड़ा सा स्लोगन दिखाई देता है, जिसका कोई नहीं उसके हम है भाई। और ये जो डॉक्टर भाव साहेब झीटे की बात रही, जो मानवता के लिए समर्पित रही, उनका जीवन मानवता के लिए समर्पित रहा, और आज अंतर भारतीय आश्रम से जुड़ा हुआ ये शोकाकुल परिवार अपनी संवेदनाएँ आप तक पहुँचा रहा है।